हेलो एवरीवन माई सेल्फ योगेश चंद्र शुक्ला आपका स्वागत है आज के सेशन पे और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े चेंजेस के बारे में जो हमें जानकर रहना चाहिए अगर हम नीट के विद्यार्थी हैं या क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं या फिर इलेवेंथ के विद्यार्थी हैं या कोई भी विद्यार्थी जो इलेवेंथ ट्वेल्थ से जुड़ा हुआ एग्जाम पर आधारित हो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ओल्ड एनसीआर न्यू एन किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी हर टीचर ने अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाई रखी हुई है पर मैं एक आश्वासन देता हूं वादा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए एक अंतिम वीडियो साबित होगी इस टॉपिक को लेकर यदि आप क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ में है तो आपको जो अपडेटेड एनसीईआरटी है सिर्फ उसे ही फॉलो करना है इसमें कोई शक नहीं है अगर आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के विद्यार्थी हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर आप हिंदी मीडियम के यूपी राजस्थान या फिर एमपी, या फिर छत्तीसगढ़ इन बोर्ड्स के होंगे तो भी आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी है बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए यही खबर है अब न्यू एनसीआरटी में क्या क्या है यह मैं आपको बता दूंगा पर यदि आप नीट के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ओल्ड एनसीआर ही ज्यादा ऑथेंटिक है ओल्ड ही आपको फॉलो करनी है अब ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है अंत में मैं आपको बताता हूं चलिए शुरुआत करते हैं कि हम इस बिंदु तक पहुंचे कैसे इस बिंदु में पहुंचने के लिए हमें यह जानना होगा कि कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने एनसीआरटी के सिलेबस में कुछ खास बदलाव किए कहा गया कि इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है रेविलेंट है और यह कहना चाहिए कि यह जो है उतने आवश्यक नहीं है या फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है ऐसा कह के कहकर सीबीएसई ने टॉपिक हटा दिए अब वो कौन कौन से टॉपिक है जो सीबीएससी ने एन टी ए सॉरी सीबीएससी ने एनसीआर में हटाए हैं पहले गौर से सुन लीजिए फिर किसके लिए यह बदला है किसके लिए नहीं बदला है कौन इसको फॉलो करेगा कौन नहीं फॉलो करेगा इस पे भी हम चर्चा करेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में से कौन कौन से टॉपिक को सीबीएसई ने एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया है देखिए पहले बात करता हूं क्लास इलेवन की ऑथेंटिक जानकारी है और मैं आपको ना सिर्फ आप आज सिर्फ आपको चैप्टर बल्कि कुछ ऐसे चैप्टर जो हैं भी उनके भी टॉपिक को बता रहा हूं कुछ चैप्टर के टॉपिक भी हटा दिए गए हैं यह भी बहुत गौर करने वाली बात है हर जगह सिर्फ चैप्टर चैप्टर की कहानी है कि तीन चैप्टर ट्वेल्व से हटा दिए गए हैं पर वो जो बाकी के बचे हुए चैप्टर है उनसे भी कुछ टॉपिक हटाया गया है इस पर भी ध्यान देने वाली बात बहुत है जैसे आप देखेंगे जीव जगत ये चैप्टर है पर इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक थे जो उतने आ, मतलब जो आ, मतलब आ, मतलब टॉपिक ज्यादा रिपीट हो रहे थे या फिर उतने ज्यादा आवश्यक नहीं थे ठीक है तो उनको भी हटा दिया गया है जैसे एनसीआर के तीसरे से पांचवें पेज में जाएंगे जीव क्या है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हुआ करता था ये ऐसा तो होता है वैसा तो नहीं होता ऐसा करके बहुत सारा टॉपिक था इसे हटा दिया गया है वर्ग की सहायक साधन वर्गीय सहायक साधन में हर्बेरियम कुंज ये जो जितनी भी थी कुंजी है ना इन सबको भी हटा दिया गया है वनस्पति को उद्यान को हटा दिया गया है संग्रहालय को हटा दिया मतलब वर्ग की सहायक साधन में से क्या क्या हटाया गया है वनस्पति उद्यान संग्रहालय प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर कुंजी अथवा चाबी इनको हटा दिया गया है मतलब इस चैप्टर में बचा क्या होगा केवल वर्ग की वर्गीकरण ये चैप्टर में बचा होगा बाकी ये टॉपिक जिनसे बड़ा कंफ्यूजन होता था बच्चों को ये पहले चैप्टर से हटा दिया गया मतलब चैप्टर है पर उसके टॉपिक हटा दिए गए हैं दूसरा दूसरा अगला सा, सारांश भी हटा दिया गया है सारांश संबधि हमेशा पूछा जाता था कई बार क्वेश्चन नीट में आते थे इसके इसके हटा दिए गए हैं और इसमें एक प्रश्न नंबर दस था वो भी हटा दिया गया है क्योंकि वो इसी से संबंधित था इसलिए उसे हटा दिया गया वनस्पति को उद्यान पे आते हैं वनस्पति जगत तीसरा चैप्टर है इलेवंथ का ही ये भी चैप्टर है पर इसमें भी कुछ टॉपिक हटाए हैं जैसे बहुत ध्यान समझना एनजीओसपम इसे बच्चे ट्वेल्थ में पढ़ते ही थे लेकिन यहां पर भी था इसलिए एनजीओ को हटा दिया गया है पादप जीवन चक्र एवं संतति पीढ़ी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बच्चों के लिए निकल कर आता था अगुणित द्विगुणित अगुड़ द्विगुड़ित भी बच्चों को बहुत दिमाग खराब करता था यह भी टॉपिक कंफ्यूजिंग था ल, लेंदी था यह इस टॉपिक से हटा दिया गया है मतलब आपको इसमें अब सिर्फ सहवाल ब्रायोफाइटा डेडो जिम्नोस्पर्म को पढ़ना होगा सारांश में अनुच्छेद पांच हटा दिया गया है पृष्ठ संख्या दस भी तीसरे चैप्टर से हटा दी गई है अब हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर फाइव पे चैप्टर चैप्टर नंबर पादपों की ये भी बड़ा था बच्चों को बहुत परेशान करता था और इसके भी कुछ कुछ टॉपिक जो थे वो उतने ज्यादा मतलब कहना चाहिए इंपॉर्टेंट नहीं थे यहाँ पे उनकी आ, वो भी लिखा हुआ है ये पृष्ठ संख्या भी लिखी हुई है अगर आप देखना चाहें तो इसमें से मूल का रूपांतरण मूसला जड़ ये जड़ उनके जो रूपांतरण आते थे ये हटा दिया गया है तने का रूपांतरण पत्ती का रूपांतरण रूपांतरण वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता था कि किसका आ, कांटा आ, पत्ती से बना है किसका क्षीकलिका से बना है ये टॉपिक हटा दिया गया है फॉबेसी ग्रुप जो था और लिलियसी जो समूह था मतलब फैमिली थी इन दोनों फैमिलीज को हटा दिया गया है मतलब आप सिर्फ एक फैमिली पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में बाकी ये दो फैमिली हटा दी गई है और सुनते रहिए फिर मैं आपको बताता हूं किसके लिए ज्यादा आवश्यक है और किसको इसके बाद भी ध्यान से सुनना होगा भी सारे बच्चे सुनेंगे चाहे नीट वाले हो चाहे इलेवेंथ वाले हो चाहे ट्वेल्थ वाले हो प्रश्न संख्या वन टू सिक्स ये एनसीआरटी के क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत आते हैं एट नाइन फेबेसी का भाग था ट्वेल्व फोर्टीन ये भी हटा दिया गया है अब आते हैं चैप्टर नंबर सिक्स में मतलब आप देख रहे हैं ना कुछ चैप्टर तो हटाए ही गए हैं साथ ही साथ में चैप्टर जो नहीं हटाए गए उनके टॉपिक भी हटा दिए गए वो भी छोटी मोटी मात्रा में नहीं लमसम बहुत बड़ी मात्रा है ये बहुत बड़ा टॉपिक है ये अब आते हैं पुष्प पादपों का शरीर ये छठवा चैप्टर है इसमें से सबसे पहले उतक के बारे में हटा दिया उतक में भी कौन कौन सा मेरिस्टेम टाइम उतक हटाया है मेरिस्टेम उतक हटाया जो बहुत डायग्राम वगैरह आता था पूछ दिया सरल उतक हटा दिया जटिल उतक का अनुच्छेद दो हटाया पूरा सरल उतक नहीं हटाया सरल उतक में अनुच्छेद दो और तीन को हटाया है जटिल उतक में अनुच्छेद दो को हटाया है द्वितीयक वृद्धि को पूरा हटा दिया है सेकेंडरी ग्रोथ अब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें वहन कैंबियम कैम्बियम क्रिया बसंत दारू शरदारू शरद दारू कार मूल में द्वितीय वृद्धि ये वो चीजें हैं जिसपे नीच पे, पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं या बोर्ड के भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन्हें भी हटा दिया गया है एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर सिक्स से हटा दिया गया है प्रश्न संख्या वन टू थ्री सेवन इलेवन वो जो दिया हुआ रहता है वो भी हटा दिया गया है इस साल के सिलेबस से एक और बात सातवां चैप्टर ये भी बच्चों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था बच्चे इस पर बहुत ज्यादा मार्किंग नहीं कर पाते थे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन इसमें से क्या है सबसे पहले प्राणी उतक उनमें से कौन कौन सा उपकला संयोजी पेशी तंत्रिका चारों उतक को हटा दिया मतलब पहला टॉपिक गायब केचुआ हटा दिया गया है केचुआ की आकार की केचुआ की आंतरिक आकार की को हटा दिया गया है बाकी चीजें रहेंगी कॉकरोच तिलचट्टा की बाह्य आकार की आंतरिक आकार की पूरा हटा दिया गया है मतलब इस चैप्टर का लमसम बहुत बड़ा पार्ट गायब ही कर दिया गया है कुछ कुछ चीजें बस चैप्टर में क्योंकि इसका बहुत बड़ा टॉपिक जो है ना वो हम कभी कभी बोन्स वाले चैप्टर में कभी कभी ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ लिया करते थे लोग कहते हैं बस वही जरूरी है बाकी कुछ की जरूरत नहीं है इसलिए हटा दिया गया है ये इस चैप्टर की बात है इससे पूरा चैप्टर के जब लगभग जितने क्वेश्चन थे सभी हटा दिए गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन सब हटा दिया गया मतलब कुछ चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है इसके बाद अब आते हैं जय वणु ये भी बड़ा चैप्टर था बच्चों को इनमें भी कुछ कुछ टॉपिक बड़े कंफ्यूज करते थे इसके भी कुछ बिंदुओं को बढ़िया हटाया है जैसे एकक -एक बंधों को जोड़ने वाली प्रकृति मतलब फॉस्फोडास्टर बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ये बॉन्ड अलग से पढ़ाए जाते थे जबकि आप टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने आप ये बॉन्ड आपको याद हो जाएंगे तो जबरदस्ती का टॉपिक था इसलिए यहां से हटा दिया गया शरीर अवयवों की गतिज अवस्था उपापचय की संकल्पना कि हम हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं हमेशा गतिज अवस्था बनी रहती है वगैरह वगैरह ये एक बड़ा मतलब बकवास सा टॉपिक था कई बार बच्चे समझ भी नहीं पाते थे और टीचर्स को समझाते समय लगता था यार क्या ही टॉपिक है ये तो ये एकदम हटा दिया गया है जीव का उपापचय आधार की शरीर में मेटाबॉलिज्म कितना जरूरी है यह भी एक ऐसा एकदम सिंपल सा टॉपिक था इसको हटा दिया गया जीव अवस्था लिविंग स्टेट अगर आप जिंदा हैं तो कैसे जिंदा हैं रसायनों का उसमें क्या उपयोग है यह एक चार पांच चीजें थी जो अनावश्यक थी हमें भी लगती थी अनावश्यक है इन्हें भी हटा दिया गया है जय वणु वाले चैप्टर से चैप्टर नंबर नाइन से अभी तक मैं उन चैप्टर्स तक पहुंचा ही नहीं हूं जिन चैप्टर्स को हटाया गया है उससे पहले ही आपको चार चैप्टर में से बड़े बड़े टॉपिक हटा दिए गए हैं यह बहुत बड़ा भाग जो है इलेवेंथ का हटाया गया है इसके अलावा पौधों में परिवहन का पूरा अध्याय हटा दिया गया है खनिज पोषण का पूरा अध्याय हटा दिया गया है पादप वृद्धि और परिवर्धन यह भी बड़ा चैप्टर था इससे भी कुछ बड़े बड़े टॉपिक हटाए जैसे दीप्त कालिता ठीक है बसंतीकरण बीच प्रसुप्ति प्रश्न क्रमांक तीन पांच आठ दस ये भी हटा दिया गया है किससे पादप वृद्धि और परिवर्धन से और पाचन एवं अवशोषण का भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है मतलब आप कुल मिला के देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपको क्लास इलेवेंथ में अब इतने चैप्टर इतने टॉपिक पढ़ने ही नहीं है या फिर कहें कि वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले थे वो ही हटा दिए गए हैं वही टॉपिक हटा दिया गया है सो इसका आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा पहले ट्वेल्थ को भी जान लेते हैं फिर मैं बताऊंगा कि अगर आप वाले हैं तो आपकी क्या जिंदगी में अगर आप इलेवंथ में हैं तो ये टॉपिक तो बिल्कुल छूने ही नहीं है आपको पर अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो ट्वेल्थ में क्या क्या नहीं छूना है अब अगर हम क्लास अच्छा इलेवंथ के कुछ और टॉपिक भी बचे हुए हैं सॉरी सुनिएगा भी तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय हॉर्मोन वाला चैप्टर है उसके भी कुछ टॉपिक को ये डिटेल एकदम जानकारी दे रहा हूं। अभी तक साइट से नहीं मिली हुई जानकारी है आप इसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है बिल्कुल दिक्कत नहीं है तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय में प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप ये नई एनसीआरटी में आपको नहीं मिलेगा ठीक है संवेदिक अभिग्रहण संसाधन नेत्र आपको नहीं मिलेगा नेत्र के भाग नहीं मिलेंगे देखने की क्रिया नहीं मिलेगी कान नहीं मिलेगा श्रवण की क्रिया नहीं मिलेगी मतलब सुनने की क्रिया नहीं मिलेगी एक बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था बच्चों को परेशान करता था पर ये नहीं है अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है अगर आप एनसीआर नई वाली परचेस करते हैं तो आपको ये सब शब्द वहां पर देखने को मिलेंगे नहीं क्लास में अब बात आते हैं क्लास ट्वेल्थ की क्लास ट्वेल्थ वैसा ही छोटा सिलेबस था उसे और छोटा कर दिया है तीन तो चैप्टर जिनमें से सबसे पहला है जीवों में जनन ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया खाद्य उत्पादन में का भी संपूर्ण चैप्टर चैप्टर हटा दिया गया है ये दो चैप्टर पूरे गायब है अब आता है जीव और समिष्टियां ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बड़ा चैप्टर था इस पे भी कुछ टॉपिक ऐसे थे जो उतने ज्यादा मतलब रेलिवेंट नहीं थे ज्यादा जरूरी नहीं थे तो उन्हें भी हटाया गया जैसे जीव और उसका पर्यावरण जीव और उसके पर्यावरण को हटा दिया गया है प्रमुख अजैव कारक मतलब तापमान टेम्परेचर ये बड़ा टॉपिक हुआ करता था दिमाग लगाकर पढ़ना पड़ता था है ना सेलेनिटी लवणता, प्रकाश ये हटा दिए गए हैं आजीविक कारकों के प्रति अनुक्रिया अबायोटिक फैक्टर जो होते थे वो हटा दिए गए हैं अनुकूलन एडप्टेशन ये भी हटा दिया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन भी हटा दिए गए हैं परितंत्र वाला चैप्टर था इकोसिस्टम ये भी बड़ा चैप्टर था और इसके भी बहुत सारे बिंदुओं को हटाया गया जैसे पारिस्थितिक अनुक्रमण आपने सुना होगा कि चट्टानों में जैसे चट्टानों में पेड़ पौधे लगाए जाते थे जंगल बन जाता था या फिर दलदल से जंगल बनाया जाता था हाइड्रा हाइड्राजराज उसे अपन कहते थे ये एक टॉपिक था बहुत अच्छा टॉपिक था वैसे लेकिन फिर भी हटा दिया गया है पादपों का अनुक्रमण पोषण चक्रण ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था हर साल पिछले साल भी नीट में क्वेश्चन आया था ये भी हटा दिया गया है परितंत्र का कार्बन चक्र फॉस्फोरस चक्र ये दो बड़े टॉपिक थे इनको भी हटा दिया गया है परितंत्र की सेवाएं मतलब इकोसिस्टम से जो हमें क्या क्या मिलता है क्या क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं इसे भी पूरी तरह से हटा दिया गया है तो मतलब ओवरऑल कहा जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो जो था उसे अब हटा दिया गया है तो इन सब चीज़ों को अगर अपन देखें अच्छा पर्यावरण के मुद्दे एक चैप्टर, चैप्टर था ये पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया बड़ा चैप्टर था ये सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं अब जानते हैं कि आपकी जिंदगी में इसका क्या क्या फर्क पड़ने वाला है देखो भाई अब ये जो हटा है इसके लाइफ में अगर मैं क्लास इलेवन या सीबीएसई में हो या ट्वेल्थ में हो तो आपको ये चैप्टर से टॉपिक बिल्कुल भी छूने की जरूरत नहीं है कोई आवश्यकता नहीं पर यदि आप नीट में हैं यदि आपने नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको याद होगा या फिर नहीं याद होगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि पहली बार एनसीआर जो है ना 2006 में बदला था 2006 में बनने के बाद लगभग लगभग 2014 2015 तक जो है ना उसके टॉपिक पूछे जाते थे कई बार बच्चों को लगता था यार ये या आउट ऑफ एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी अब दूसरी बार एनसीईआरटी बदली है बड़े मात्रा में बदली है और सिलेबस कम हो गया है तो यहां पर चांसेस हैं कि आपको ये चैप्टर अभी भी पूछे जा सकते हैं दूसरी चीज जो है कुछ कुछ बिंदुओं को ऐसा हटा दिया गया है जिसके बिना कल्पना ही नहीं की जा सकती कुछ चीजों को पढ़ाने की तो ऐसे समय पे भी इन टॉपिक को हटने के लिए भी नीट में पढ़ाया जा सकता है वैसे तो कहा जाए कि सीबीएसई का जो सिलेबस बदला है उसका एनटीए से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। याद रखना क्योंकि जो नीट का एग्जाम है वो सीबीएसई नहीं करवाता है वो एनटीए करवाता है हो सकता है अगले साल एनटीए की जगह एनएमसी नई एजेंसी जो है वो इस एग्जाम को ले ऐसे समय में उसका प्रॉपर सिलेबस आएगा अब अगर सिलेबस आ गया सिलेबस आ गया वो टॉपिक नहीं है और आपने जो है उसको पहले से पढ़ रखा है तो आपके साथ ये भी दिक्कत हो जाएगी और यदि आपके अंत के सिलेबस में ये चीज को हटा दिया गया और आपने पहले पढ़ रखा तो दिक्कत और अगर है और आपने नहीं पढ़ रखा तो भी दिक्कत तो फिलहाल ये माना जाता है कि ये टॉपिक आपको पढ़ाए तो जाएंगे ही ये मैं पक्का वादा करता हूं हम जिस भी बैच में पढ़ रहे हैं ये चैप्टर्स भले ही एनटीए हटा दे या फिर एनसीईआरटी हटा दे या कोई भी हटा दे पर नीट में इस बार अपन लोड नहीं ले सकते हम उसे हल्के फुल्के लेवल पे क्योंकि टॉपिक बहुत आसान भी थे जो हटाए गए और बहुत बड़ा टॉपिक है ये अगर गलती से आ गया तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आप जिंदगी भर आप अपने टीचर्स को माफ नहीं कर पाएंगे इसलिए मेरा मानना यही है कि भले ही सिलेबस में है या नहीं है हम नीट में इस बार रिस्क नहीं ले सकते इलेवन ट्वेल्थ का मैं दावे से कहता हूं कि यह सिलेबस में नहीं आएगा लेकिन नीट के लिए मैं अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि एक तो सबसे पहली बात अभी एनएमसी ने अनाउंस नहीं किया है कि ये नहीं है सिलेबस में आप ये देखेंगे कुछ समय तक केचुआ काक्रोच ये सिलेबस में नहीं था सॉरी फ्रॉम सिलेबस में नहीं था लेकिन पूछा अभी भी जाता है तो यही वो बात है कि हर साल कुछ कुछ चीजें हटने के बाद भी सिलेबस में आती हैं क्वेश्चंस आता है तो यकीन मानिए कि अभी ये नीट में आपके लिए खुशखबरी नहीं है अभी भी आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी अलग बात है कि ये चीजें हम लास्ट में पढ़ेंगे सो मेरी तरफ से तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा बेटा कि भले आप नीट में हैं या चैप्टर हटा दिए जाएं इवन एनएमसी अनाउंस कर दे कि नहीं ये सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको ये चैप्टर पढ़ने होंगे मेरी तरफ से आपको पर्सनल सजेशन यही है क्योंकि इनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती कि वैसे भी यार पांच छह चैप्टर हैं इजी इजी वाले चैप्टर थे अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है तो आठ दस क्वेश्चन बहुत बड़े बनते हैं

ऐसे ही टीचर्स को चुने जो आपको सही गाइडेंस दे बहुत सारे लोग सिलेबस में नहीं है नहीं है, नहीं है, 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 है देख ही है, रहा हूं कि सीबीएसई या फिर कभी भी नीट के एग्जाम में बाहर के क्वेश्चन भी आते थे पहले भी आते थे 2006 में चेंज किया था वो 2015 तक आया 2015 के 17 18 में भी फ्रॉग वगैरह को हटा दिया गया था फिर भी क्वेश्चन पूछा तो मैं अभी नहीं मान सकता ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस में नहीं आएंगी आपसे पूछा जा सकता है और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आपको ये बातें बिल्कुल गार्ड बांध के रख लेनी चाहिए और आपको सही डायरेक्शन पे बढ़ना चाहिए अब आप में से क्लास ट्वेल्थ में हैं जो बच्चे या नीच में जो बच्चे हैं अगर आप सही डायरेक्शन चाहते हैं और भविष्य में चाहते हैं कि वो इंसान जिसे प्रॉपर नीट का नॉलेज हो वही इंसान आपको पढ़ाए तो आपको एक हमारे पास गिफ्ट है और उस गिफ्ट को आप देख सकते हैं आरंभ बैच एक बहुत बड़ी बैच है हिंदी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ लाइव बैच अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आए अंत तक जरूर देखें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ओल्ड और नीट न्यू का ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्यूशन में आज बदल ही दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड वाले बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ना है नीट वाले बच्चों को सभी कुछ पढ़ना है ये फिक्स है आपको पता होना चाहिए लेकिन क्या क्या हट गया है तो उसे आप हल्के फुल्के लेवल में पढ़ लेंगे ठीक है अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं पर आ गया तो तैयारी हो जाए ये बैच है आरंभ बैच नीट चौबीस के लिए बाईस मई से ये बैच स्टार्ट हो रही है और इस बैच में सबसे बड़ा फीचर है बेटा लाइव क्लासेस का सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी कसम से लाइव मिलेंगी भाई बिल्कुल शक करने की जरूरत नहीं है लाइव क्लासेस ही मिलेंगी फीचर्स ए स्टार टॉप बैच भी मिलेगा आपको ताकि आपको अच्छे एक हेल्दी कंपटीशन मिले बच्चों के साथ उन बच्चों के साथ आप कंपटीशन करें जो ऑलरेडी टॉपर हैं टॉपर से कंपटीशन होगा तो आप जीतने का एक अनुभव भी प्राप्त होगा ठीक है मतलब अंधों में काना राजा नहीं बने रहेंगे एक अच्छे कंपटीशन से लड़ लड़कर आप अच्छे नंबर लाएंगे जिनके बच्चे ऑलरेडी 500 600 नंबर आ रहे हैं उनके साथ आप कंपटीशन करेंगे तो आपका रैंक भी बढ़ेगा बैकलॉग सीरीज होगी ताकि आपका कोई भी पूरा ना छूटा हुआ बचा हुआ टॉपिक बचे ना सब चीज़ कवर करवा दी जाए बैकलॉग सीरीज है परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा आपकी ग्रोथ आपकी जिम्मेदारी आपकी ग्रोथ हमारी जिम्मेदारी सॉरी हम आपको बताते रहेंगे कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं वो सारी बात आपको बताई जाएगी इसके अलावा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे क्लास की डीपीपी मिलेगी प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ वो मॉक टेस्ट वगैरह देंगे जो आपके लिए आवश्यक होगा होमवर्क आपको देंगे टीचर्स की स्लाइड्स मिलेंगे टीचर्स के नोट्स मिलेंगे मतलब वो हर चीज जो आपके नीट 2024 को मजबूत बनाता है इसमें ये हमारे सारे सारे टीचर्स हैं जो आपको मिलकर यहाँ पर पढ़ाएंगे और ये मिलने जा रहा है मात्र छः रुपए में वैसे तो ग्यारह का ये हमारा कोर्स है पर अगर आप ये कोर्स 15 मई तक लेते हैं 15 मई तक लेते हैं तो आपको ये छह रुपए में मिल जाएगा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा आरंभ ए ए आर एम बी एच आरंभ कूपन कोड यूज करें जीरो वन टू फोर सेवन वन फाइव एट टू फाइव जीरो पे कॉल कर लें और नीचे जो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी एक लिंक है उस लिंक पे जाकर आप बताएं कि आपको गूगल फॉर्म भरना है गूगल फॉर्म फिल करके आप अपनी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आज के आज इस बैच को ले लीजिएगा लेट नहीं करेंगे अन्यथा शाम के समय में हो सकता है कि सर्वर वगैरह क्रैश हो जाए और आप इतनी इंपॉर्टेंट बैच ना ले पाए सो प्लीज जरूर लीजिए बैच बाईस तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है और होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर करो जिन्हें प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की एनसीआरटी के बदलने से कोई प्रॉब्लम है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है आज की इस वीडियो में थैंक यू बेटा अपना बहुत ध्यान रखें बाय